कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कांडी चिकन बनाएंगे। उसके लिए पहले हम कुछ मसाले ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, एक छोटी टुकड़ी 1/2 इंच की अदरक की ली है और 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ली हैं। मिर्चियाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। हम इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। कोशिश करें कि आप इसमें पानी ना ऐड करें, ऐसे ही ग्राइंड करें। मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, हम अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस। इसकी हमें इस तरह से छोटी छोटी बूटियाँ की हैं। चिकन को धोकर अच्छी तरह से सुखा लें। ये स्टेप ज़रूरी है कि आप चिकन में पानी ना रखें। हम चिकन में नमक डाल देंगे। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स, ये हमने 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है। गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है। नींबू का रस, ये 2 टीस्पून है। जो मसाला हमने ग्राइंड करके तैयार किए हैं उसे भी डाल देंगे। अच्छी तरह से चिकन को हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे मैरिनेट होने देंगे कम से कम 1 घंटा। अगर आपके पास समय है तो आप 2 घंटा मैरिनेट करें फ्रिज में रख के। जितनी देर चिकन मैरिनेट होगी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। हमने इस तरह के स्क्यूअर्स ले लिए हैं। स्क्यूअर्स को हमें पानी में डुबा देना है इस तरह से 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में हम इस तरह इन्हें पलटा कर भी 10 मिनट पानी में भिगा देंगे ताकि फ्राई करते समय स्क्यूअर्स जल ना जाएं। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। आप चिकन को जितनी देर चाहे मैरिनेट करें, टेस्ट अच्छा आएगा ज़्यादा मैरिनेट करने से। हम इसमें फ्रेश क्रीम मिला देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। इससे हमारे टिक्के बहुत अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और स्क्यूअर्स में भरना स्टार्ट करेंगे हम। हमें स्क्यूअर्स में चिकन को भर लेना है। इस तरह से चिकन को भरेंगे हम। हमने एक स्क्यूअर्स में 3 चिकन के क्यूब्स भरे हैं इस तरह से। हम एक सरफेस पर थोड़े ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इस पर हम ये स्क्यूअर्स को रखेंगे। इस पर अच्छी तरह से हमें ब्रेड क्रम्स डालना है। ये पैनको ब्रेड क्रम्स है जिन्हें हमने घर पर बनाया है। इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं आई बटन पर। आप इसे बनाकर 6 महीनों तक फ्रिज के बाहर रख सकते हैं। इससे हमारी फ्राई आइटम्स बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे और फ्लैट करेंगे एक नाइफ की मदद से। इससे इन्हें पकने में भी आसानी होगी और ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। साइड से भी इस तरह से हम थोड़ा सा शेप देंगे इसको। कांडी चिकन बन करके तैयार है। हमने इन्हें अच्छी तरह से स्क्यूअर्स में भर दिया है। ये पॉइंट पे आप इन्हें आराम से स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्तों तक ये फ्रीज़र में रहेंगे। इस तरह से हमें इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है। एक के ऊपर एक नहीं रखना है। एक लेयर को रखने के बाद इस तरह से इस पर हमें पार्चमेंट पेपर को लगा देना है। इसके ऊपर और कांडी चिकन रख देंगे हम और फिर इसे अच्छी तरह से कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे। 2-3 हफ्तों के लिए ये आराम से चलेंगे। तेल को हमने गर्म करने के लिए रखा है। जब तेल गर्म हो जाए फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है। हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। हम अंडों में चिकन को डिप करेंगे। हमने एक अंडे को थोड़ा नमक डालकर बीट किया है। अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा अंडा है उसे इस तरह से ड्रेन कर लेंगे और ध्यान से ऑयल में डाल देंगे। आप अगर क्रिस्पी कोटिंग चाहते हैं तो आप पहले अंडों में डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके इन्हें फ्राई करें। उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं।
दो मिनट एक साइड पर हमने फ्राई किया है। जब ये इस तरह अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी, हम दूसरी साइड को पलटाएंगे और दूसरी साइड पर भी लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे, जब तक ये अच्छी तरह गोल्डन नहीं हो जाती। अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें स्लो फ्लेम पर फ्राई करते हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए हैं हमारे कांडी चिकन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।